फिर से कर लिया क्योंकि मुझे समझ नहीं आता उन लोगों का ब्रेकफास्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के 8:30 बजे से। और फ्रेंड्स, ये ब्लॉग जो है ना, ये ब्लॉग ट्यूसडे का है और मैं काफ़ी दिन से जो है ना ब्लॉग बना नहीं पा रही हूँ। इसके लिए जो है ना मेरे ब्लॉग्स जो है ना 2-2, 3-3 दिन के बाद आ रहे हैं, मुझे टाइम नहीं लग रहा। तो ये जो है ट्यूसडे का ब्लॉग है और मैं यहाँ पे जो है ना सुबह सुबह सैमी के स्कूल जाने की तैयारी कर रही हूँ। आज जो है ना मुझे सैमी के स्कूल जाना है सैमी के साथ, क्योंकि आज यहाँ पे है फादर्स डे। और यहाँ पे फादर्स डे में क्या होता है, सारे फादर्स जो है ना वो स्कूल में जाते हैं अपने बच्चों के साथ और वहाँ पे एक्टिविटीज़ दी जाती है करने के लिए, अपने बच्चों के साथ उनको एक्टिविटीज़ करनी होती है। तो सैमी के पापा यहाँ पे हैं नहीं, तो उसके लिए मैं जो है ना फादर्स डे अटेंड करूँगी। लास्ट ईयर भी मैंने ही अटेंड किया था, ऐसा एक्चुअली पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी उसके पापा गए थे उसके बर्थडे के लिए, तो वापस आना पॉसिबल नहीं था। तो उसके लिए मैं जा रही हूँ उसके साथ। और लास्ट ईयर भी मैंने अटेंड किया था फादर्स डे, लेकिन मैंने मदर्स डे अटेंड नहीं किया था। मदर्स डे में मैं एक्चुअली उस दिन मैं अपना ऑफिस का काम कर रही थी और मुझे छुट्टी नहीं मिल पाई थी, तो मैं नहीं जा पाई थी मदर्स डे पे। तो इस साल मैं ट्राई करूँगी कि सैमी के साथ मैं मदर्स डे पे भी जाऊँ, क्योंकि मैंने मदर्स डे पे उसको भेजा नहीं था, वरना बच्चों को जो है ना बुरा लगता है अगर बच्चे ना जाएँ, मतलब पेरेंट्स ना जाए बच्चों के साथ स्कूल में। और यहाँ पे मैं जो है ना सैमी के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ उसके टिफ़िन में। और आज जो है ना हम लोगों को ब्रेकफास्ट वैसे सैमी लोगों के साथ स्कूल में ही करना है, सारे पेरेंट्स जो है ना घर से एक एक चीज़ बना के लेके आएंगे। तो ये जो है ना, ये तो मैंने शाम का जो है ना इवनिंग का स्नैक्स है वो पैक कर रही हूँ, लेकिन जो है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हम लोगों को बच्चों के साथ ही करना है जो हम घर से लेके जाएंगे। तो वो वहाँ पे वो जो है ना पूरा का पूरा टेबल में डेकोरेट कर देंगे पूरे स्कूल का बच्चों का, और उसके बाद हम लोग सब मिलके वहाँ पे खाएंगे। लेकिन मुझे पता नहीं है वहाँ पे, क्योंकि ना वो मीठा मीठा बहुत ज़्यादा रखते हैं केक्स वगैरह, तो मुझे पसंद नहीं है, इसके लिए मैं घर से ब्रेकफास्ट करके जाऊँगी। और यहाँ पे जो है ना मैंने रात को बहुत सारे नमक पारे बनाए थे, क्योंकि होली भी आ रही है और सैमी को नमक पारे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने जो है ना कुछ नमक पारे उसके स्कूल के लिए भी दिए थे, क्योंकि उन्होंने बोला था कि अगर होममेड स्नैक्स होंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैंने जो है ना नमक पारे बनाए, और यहाँ पे मैंने थोड़े से सैमी के स्कूल के लिए पैक कर दिए ताकि सैमी इवनिंग में स्नैक्स खाए। और मैं जो है ना अपना ब्रेकफास्ट भी रेडी कर रही थी, मैं ब्रेड और ब्रेड पे पीनट बटर और चाय, ये दोनों मैं खा के गई थी। और ये देखिए मैंने कितने सारे यहाँ पे जो है ना नमक पारे बनाए थे, ये वाला डब्बा और ये डब्बा फुल था, और वो जो ब्लू वाला डब्बा था वो मैंने जो है ना स्कूल में दिया था, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने बनाए थे वो कम हो गए थे, वो मैंने उसके पापा को दे दिए थे। तो मैंने उसको बोला था मैं दूसरे दिन बनाऊँगी, तो उसके लिए मैंने जो है ना आज ज़्यादा क्वान्टिटी बनाई ताकि होली पर भी जो है ना ये काम आएंगे। और ये देखिए बहुत ही अच्छे बने थे, क्रिस्पी काफ़ी। और आज मैंने इसमें घी नहीं डाला था, इसको मैंने तेल में ही जो है ना आटे को लगाया था। और यहाँ पे जो है ना मैं एप्रन डाल रही हूँ बैग में, क्योंकि आज जो है ना हम लोगों को उनके साथ जो है ना पेंटिंग करना पड़ेगा, कलर यूज़ करने पड़ेंगे। तो टीचर ने कहा था कि अपने कपड़े जो है ना थोड़ा ट्राई करना कि गंदे, मतलब स्पॉट्स लगने का डर है, तो ट्राई करना कि आप घर से कुछ एप्रन वगैरह लेके आएँ। और यहाँ पे मैं ना नाम लिख रही थी, मैंने कुकीज़ का एक पैकेट भी लिया था, तो कुकीज़ के पैकेट पे भी सैमी का नाम लिख रही थी और बॉक्स पे भी, ताकि टीचर को पता चले कि कौन से बच्चे ने क्या क्या दिया है। और यहाँ पे सैमी कुछ ना कुछ बताई जा रही है कि नहीं मम्मी ऐसे नहीं, ऐसे करना है, इंस्ट्रक्शंस दे रही है मुझे। फ्रेंड्स, हम निकल गए सैमी के स्कूल के लिए, लेट हो गए हैं, क्योंकि हमेशा लेट हो जाते हैं हम लोग, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ पे एक्टिविटी करने के बाद पेरेंट्स जो है ना अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। और मैंने तो ब्रेकफास्ट घर से कर लिया क्योंकि मुझे समझ नहीं आता उन लोगों का ब्रेकफास्ट, तो मुझे समझ सैमी को आ जाता है समझ क्योंकि अच्छा दिल्ली का खाना खाती है इसके लिए, तो मैंने अपना ब्रेकफास्ट घर से ही कर लिया है, मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो है ना मैं सैमी को बोल रही हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी चले, क्योंकि जो है ना काफ़ी टाइम हो चुका था, 9:30 से ऊपर हो गया था टाइम, और टीचर ने कहा था 9:30 बजे तक पहुँचना है स्कूल में। और ये जो है ना धीरे धीरे चल रही थी, तो उसे मैं बोल रही थी थोड़ा जल्दी जल्दी चल, वरना जो है ना एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी स्कूल में। बाहर जो है ना वेदर ख़राब है, ख़राब नहीं है मतलब कोहरा छाया हुआ, देखिए पूरा मतलब पार्क के पेड़ ढके हुए हैं कोहरे से, तो आज जो है ना बहुत मस्त धूप निकलने वाली है दिन में, और सैमी लोगों के मजे आने वाले हैं, वो खेलेंगे फिर बाहर,
और आजकल जो है ना सही वेदर हो रखा है, ज़्यादा जो है ना गर्मी भी नहीं है, ठंडा भी नहीं है, बारिश भी नहीं है, मेनली बारिश होती है। तो यहाँ पे जो है ना इन लोगों को टी शर्ट दिया गया था, और टी शर्ट में जो है ना अपने हाथ पे कलर लगा के फिर उसे जो है ना वहाँ पे लगाना था टी शर्ट के ऊपर। तो पहले सैमी ने लगाया, उसके बाद फिर मैंने लगाया, जो जितने भी फादर्स लोग थे उन लोगों को और जितने भी बच्चे थे उन सबको लगाना था ऐसे, और उसके बाद उसमें अपना नाम और पापा का नाम लिखना था। तो मैंने जो है ना अपने हाथ पे रेड कलर लगाया, और सैमी की फ्रेंड थी तो उसके जो है ना मम्मी पापा आ नहीं पाए थे, उसके पापा बाद में बहुत लेट आए थे, तो उसके साथ भी मैंने एक्टिविटी करी क्योंकि वो बेचारी बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी। तो उसको मैंने बोला मैं कर देती हूँ, तो दोनों के साथ मैंने एक्टिविटी करी। तो दोनों को मैंने बोला कि मैं एट ए टाइम एक ही कलर लगा सकती हूँ, तो रेड से ही मैंने दोनों का जो है ना टी शर्ट पे निशान लगाया अपने हाथ का। तो यहाँ पे जो है ना दोनों के दोनों नाम लिख रहे थे, अपना और अपने पापा का, और काफ़ी अच्छी एक्टिविटी थी। उसके बाद जो है ना इन लोगों को एक बैग भी दिया गया, और बैग पे भी जो है ना उन लोगों को कुछ एक्टिविटी करनी थी जिसके अंदर ये टी शर्ट रखना था, और इन लोगों ने कार्ड भी बनाया हुआ था अपने पापा लोगों के लिए। और ये देखिए बाहर इतना सारा खाने का आइटम्स था। देखिए मैंने आपको बोला था कि ज़्यादातर केक्स होंगे, तो कई मम्मीज लोगों ने जो है ना घर से बना के दिए हुए थे केक, बहुत ज़्यादा सारा मीठा मीठा खाना था। और ये देखिए ये फादर्स डे का जो है ना इन लोगों ने क्लास में भी डेकोरेशन किया हुआ था, बच्चों ने कलरिंग वगैरह करी हुई थी, ये सारा फादर्स डे का डेकोरेशन था क्लास में। और ये सैमी ने करा हुआ था देखिए कलरिंग। और यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा जो है ना फोटोशूट किया, ये इन्होंने डोर पे जो है ना फादर्स डे का डेकोरेशन किया हुआ था क्लास के डोर पे। तो फ्रेंड्स फोटो वगैरह खींचने के बाद सैमी ने जो है ना अपना लंच किया स्कूल में, और लंच करने के बाद उसने बोला कि उसे जो है ना मेरे साथ ही घर जाना है। तो एक बज गया था, तो टीचर ने बोला कि अगर आपको उसको अपने साथ लेके जाना है तो लेके जा सकते हो, क्योंकि जो है ना उसके बाद मुझे 2 घंटे के बाद दोबारा आना पड़ता है उसको लेने के लिए, और काफ़ी लंबा वॉक हो जाता है, इसके लिए मैं उसको अपने साथ ही ले आई। तो उसने रिटर्निंग में बोला कि उसे जो है ना पार्क में जाना है, खेलते हुए जाएगी वो घर, अभी उसे मतलब डायरेक्टली घर मत लेके जाओ। तो मैं उसे जो है ना पार्क में ले आई थी, और यहाँ पे पार्क में ना बहुत अच्छे फूल आए हुए थे अभी, क्योंकि स्प्रिंग आ गया ना यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत हम ऐसे ही फ़ोटो खींचने लग गए थे। उसके बाद मैं उसे दूसरे पार्क लेके गई जहाँ पे झूले लगे होते हैं, उसने कहा मुझे थोड़ी देर वहाँ पे खेलना है। लेकिन आज वेदर मैंने सोचा था सुबह की बहुत अच्छी धूप निकलेगी, धूप नहीं निकली थी, और बहुत तेज़ हवा चल रही थी, ठंडा लग रहा था मौसम। तो मैं उसे बोल रही थी कि थोड़ा जल्दी जल्दी खेल के फिर घर चलते हैं, क्योंकि मैंने जो है ना अपना लंच नहीं बनाया था, ये तो लंच स्कूल से करके आई थी और मुझे भूख लग रही थी, 2 बज गया था ऐसे ही टाइम पास करते करते पार्क में। तो मैं उसे बोल रही थी थोड़ा जल्दी जल्दी खेल फिर हम लोग घर जाएंगे, और घर जाके मुझे खाना बनाना अपने लिए। तो थोड़ा बहुत उसने खेला, और यहाँ पे जो है ना ट्राई कर रही थी वो हैंगिंग का, उसका हाथ पहुँच नहीं पाता लेकिन फुल ट्राई करती रहती है, वो कहती मुझे हेल्प नहीं चाहिए, मैं बिना हेल्प के खुद ही जो है ना हैंग करूँगी। तो उसके बाद खेलने के बाद हम लोग यहाँ पे जो है ना घर पे आ गए थे, और मैं जो है ना काफ़ी थक चुकी थी क्योंकि सुबह 9:30 बजे से और दिन के 2 बजे तक जो है ना खड़े खड़े हालत ख़राब हो गई थी मेरी। तो उसके बाद घर पहुँचने के बाद मैंने जो है ना सैमी को चेंज वगैरह करने के लिए बोला, मैं कहा चेंज वगैरह कर ले और थोड़ा आराम कर ले, और मैं यहाँ पे जो है ना अपना लंच बनाने जा रही थी। तो फ्रेंड्स मैं ना इसी के साथ अपने ब्लॉग का एंड यहीं पर करती हूँ, बाय बाय।